कानपुर में लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों ने अब तक की गई लूट की घटनाओं के बारे में जानकारी भी दी थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह सफलता पाई है। ये सभी आरोपी राह चलते लोगों के साथ लूट की घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस ने इनको गजनेर के पामा के पास गिरफ्तार किया। पुलिस के पूछताछ में बताया गया कि कई लूट की घटना को अब तक अंजाम दे चुके हैं। घटना को अंजाम देने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार होकर समय देखकर दिन रात में घटना को अंजाम देते थे। जिस क्षेत्र में घटना को अंजाम देना होता था वहां पर पहले एक व्यक्ति पहुंचता था, सही समय देखकर सूचना देता था, जिसके बाद एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चलाता था, एक पीछे बैठकर महिलाओं की रैकी कर उनके गले में पड़े हुए चैन को खींच लेते थे, फिर तमंचा लहराते हुए वहाँ से फरार हो जाते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।